हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें आईपीओस की और देखेंगे आज यानी 27 अगस्त को आज सभी एसएमई आईपीओ के अंदर क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। बात करेंगे सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड आईपीओ और बोन दादा इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ। दोनों आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया और ये दोनों आईपीओ के अंदर ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और ग्रे मार्केट प्रीमियम डे बाई डे कंटिन्यू चढ़ता हुआ देखने को मिला। और साथ साथ में बात करेंगे मोनो फार्मा केयर आईपीओ और सीपीएस शेपर्स लिमिटेड आईपीओ। ये दोनों आईपीओ इसी वीक से स्टार्ट होने वाला है। ज़बरदस्त ये आईपीओ है और ज़बरदस्त इसके अंदर हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इन सभी आईपीओ के अंदर से एक आईपीओ ऐसा भी है जिसके अंदर 70 से 80 हज़ार तक का प्रॉफिट देखने को मिले। सारी बातें सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है, चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। बात करें सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। आज के दिन लाइव स्टेटस क्या चल रहा है वो देखेंगे क्योंकि आईपीओ आया और क्लोज हो गया। अब इसके अंदर अलॉटमेंट भी होने वाला है। बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में तो अभी तक इसके अंदर अदर से नहीं है इसका देखा है तो 110 टाइम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और अमाउंट भी करीब करीब 267 करोड़ का अमाउंट भी लग चुका है। ज़बरदस्त ये सब्सक्रिप्शन चला। और बात करेंगे रिटेल की, हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी इसका सब्सक्रिप्शन लिया और सबसे ज़्यादा रिटेल का देखने को मिला। 192-193 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आया। ये कह सकते हैं ये आईपीओ के अंदर जिसके पास 192-193 अकाउंट होंगे उसमें से किसी एक को मिलेगा। और साथ साथ में इसके अंदर अमाउंट देखा है तो करीब करीब 466 करोड़ तक का अमाउंट देखने को मिला। ओवरऑल अगर टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं इस आईपीओ के अंदर तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन आया है करीब करीब 152 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और 737 करोड़ तक का अमाउंट देखने को मिला। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चला। और बात करेंगे इस आईपीओ की डे बाई डे के बारे में। देखा है तो फर्स्ट डे जब इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ था करीब करीब 2 से 3 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और 22 तारीख को इसके अंदर करीब करीब हमको 26 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चला। और आखिरी दिन मैंने वीडियो बना के सुबह में कहा था, चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं 23 तारीख को, और आखिरी दिन करीब करीब 152 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। बात करेंगे रिटेल की तो रिटेल इसके अंदर करीब करीब 192-193 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। चलो देख लेते हैं आईपीओ और भी डिटेल है क्या गिरे मार्केट में वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते हैं। सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड आईपीओ के डे बाई डे गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो आज के दिन में अगर देखा जाए जो गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। इसके अंदर आज है 27 अगस्त 2023 और आज संडे का दिन है और आज इसके अंदर हमको करीब करीब 55-56% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ता हुआ देखने को मिला है। ये आईपीओ का कल अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बात करेंगे आईपीओ के बारे में तो फिलहाल देखा जाए जब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था करीब करीब 20% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था। आज इसके अंदर 50 से 60% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ चुका है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कल अलॉटमेंट की स्ट्रेटजी क्या रहेगी वही वीडियो के माध्यम से बता दूंगा और उसके बाद लिस्टिंग गेन किस तरह लिया जाए वही बता दूंगा। वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो। बात करें सीपीएस शेपर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। अगर इसकी डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ भी इसी मंथ यानी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है और साथ साथ में 29 अगस्त को स्टार्ट होगा और 31 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज होगा। ज़बरदस्त ये आईपीओ है। फेस वैल्यू इसका अभी 10 रुपये रखा गया है और आईपीओ की प्राइस देखा जाए तो 185 रुपीज़ का पर शेयर पे आई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एक लॉट के अंदर करीब करीब 600 शेयर्स रखे गए हैं और टोटल इशू साइज़ देखा जाए तो इस आईपीओ का करीब करीब 11 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा ही पूरा ये आईपीओ हमको फ्रेश इशू देखने को मिलेगा। और साथ साथ में बात करेंगे इस आईपीओ की लिस्टिंग की तो ये हमको एनएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। इसके अंदर भी एक लॉट के अंदर करीब करीब देखा जाए 600 शेयर्स रखे गए हैं। बात करेंगे इस आईपीओ के रिजर्वेशन के बारे में तो अदर से नहीं एचएनआईस का 50% रखा गया है, रिटेल का भी इसके अंदर 50% रखा गया है, दोनों का 50-50% दिया गया है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते। बात करें सीपीएस शेपर्स लिमिटेड आईपीओ के डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। फिलहाल देख लिया तो आज की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज है 27 अगस्त 2023 और संडे का दिन है और आज इसके अंदर करीब करीब हमको 32-33% तक का मार्केट प्रीमियम चढ़ता हुआ देखने को मिला है। फिलहाल देखा जाए तो अब बात करेंगे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की ओपनिंग की तो करीब करीब 20 से 22% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था। आज इसका 10% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ चुका है। उम्मीद की जा रही है 29 से जब इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो इसके अंदर भी हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन अगर आता है तो ये आईपीओ भी हमको 70 से 80% तक के इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसा भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो।
करें बॉन दादा इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, अगर देखा जाए ये आईपीओ 18 को आया था, 22 को क्लोज हो गया और 25 तारीख को इसका अलॉटमेंट भी हो गया। अलॉटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं, अभी वीडियो के माध्यम से चैनल पे ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अब कल मंडे का दिन है, कल रिफंड का दिन है, रिफंड वो भी हो जाएगा और साथ साथ में 29 तारीख को ये हमारे डीमैट अकाउंट में भी आ जाएगा। उम्मीद की जा रही है इस आईपीओ के अंदर ज़बरदस्त लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है। लिस्टिंग इसकी 30 तारीख को होगी यानी 30 अगस्त वेडनेसडे के दिन। लिस्टिंग गेन किस तरह लिया जाए, लिस्टिंग की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो आईपीओ आज के डेट में क्या गिरे, मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं और साथ साथ में ये भी देखेंगे इसके अंदर लिस्टिंग गेन किस तरह। बॉन दादा इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के डे बाई डे गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के दिन देखा जाए जो गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज है 27 तारीख और आज के डेट में इसके अंदर करीब करीब हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम 66% तक का देखने को मिल रहा है। उम्मीद की जा रही है इस आईपीओ का आया और क्लोज भी हो गया और साथ साथ में इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट भी हो चुका है। अब इसकी लिस्टिंग होने वाली है 2-3 दिन के बाद, लिस्टिंग गेन किस तरह लिया जाए, लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए, लिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी, वही वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल देखा जाए तो ये कह सकते हैं ये आईपीओ आज के भी दिन में हमको 60-70% तक का प्रॉफिट देखने को मिला। जब भी कोई आईपीओ आता है अगर उसके अंदर 50-60% पर लिस्टिंग होती है तो उसको बम्पर लिस्टिंग मानी जाती है। ये आईपीओ भी हमको बम्पर और सुपर बम्पर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। जैसा भी रुझान रहा डे बाय डे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते। बात कर रहे हैं मोनू फार्मा केयर लिमिटेड आईपीओ के बारे में, कल से ये भी एक धमाकेदार आईपीओ स्टार्ट होने वाला है। फार्मा केयर का ये आईपीओ है और साथ साथ में आईपीओ का डेट देखा जाए तो 28 तारीख से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा और 30 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ज़बरदस्त फाइनेंशियल है और इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है और आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है करीब करीब 26 रुपीज़ से 28 रुपीज़ के बीच में रखा गया। अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है 28 रुपीज़, इसके ऊपर ही सब्सक्रिप्शन है जिसपे ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। और एक लॉट के अंदर 4000 शेयर्स रखा गया है और टोटल इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं, 14 करोड़ का ये आईपीओ है जो पूरा पूरा हमको फ्रेश इशू देखने को मिलेगा 14 करोड़ का। और साथ साथ में बात करेंगे लिस्टिंग की तो हमको एनएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। और बात करेंगे इसके अंदर रिजर्वेशन के बारे में, बहुत कम आईपीओ इसके अंदर देखने को मिलता है एसएमई आईपीओ के अंदर के क्यूआईबीज़ का भी कोटा रखा गया है। इसके अंदर भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन का करीब करीब 10% कोटा रखा गया है, एचएनआईज़ का 45% रखा गया है और साथ साथ में रिटेल का भी इसके अंदर 45% कोटा रखा गया है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो।